हेलो गाइस, एसआर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफिक खान। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और उसके हमने कुछ उस पर उसके जो हमने कुछ उदाहरण थे वो पढ़े थे। उनमें मैंने आपको जब पानी से भरे बर्तन में सिक्का ऊपर उठा वो क्यों दिखाई देता है, फिर तो उसके बाद हमने जो बिंदु मुझे याद आया वो पूर्णांतरिक परावर्तन था। तो आज जो है ना हम और जैसे जैसे उसके जितने भी सारे बिंदु हैं, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य क्यों दिखाई देता है, और भी उसके जैसे पूर्णांतरिक परावर्तन है, तो ये सारे जो जो बिंदु कॉन्सेप्ट में है वो सारे बिंदु मैं कराऊंगा, आप उनको ध्यान से समझना। तो दोस्तों देखिए, मैं अब जो है आपको करा रहा हूँ पूर्णांतरिक परावर्तन, जो कि एक बहुत अच्छा बिंदु है, एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप उसको ध्यान से समझना, नोटिस करके समझना कि वो जो है ना बिंदु किस तरह से उसको याद करते हैं, किस तरह से उसको देखें। मैं बिल्कुल आपको बहुत सरल और सुलभ तरीके से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, समझना ध्यान से, ठीक है? तो शब्द क्या है, दूसरा सॉरी तीसरा इसका जो उदाहरण है वो है पूर्णांतरिक परावर्तन। ये पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, देखिए जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरह, आंतरिक अंदर से, और परावर्तन का मतलब आप जानते हो, प्रकाश की किरण का जिस माध्यम से जाती है उसी में टकरा कर दूसरे माध्यम से टकरा के उसी माध्यम में लौट कर आना, ये हमने परावर्तन पढ़ा था। हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा, परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की ये घटना परावर्तन। तो अब जो ये हम बिंदु पढ़ रहे हैं पूर्णांतरिक परावर्तन, ये एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह समझना, ठीक है? तो देखिए मैं इसका जो है ना पहले चित्र बना रहा हूँ आपको, तो चित्र से ही हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैं जो है एक सघन माध्यम बना रहा हूँ, इसको जल भी कह सकते हो, क्योंकि सघन माध्यम के बारे में हम जानते हैं, सघन माध्यम का मतलब होता है यदि और केवल यदि गहरा माध्यम। तो अब इसको मैं सघन माध्यम बना रहा हूँ, सघन माध्यम के बारे में आप जानते हो, ये कोई सघन माध्यम है, आप चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हो, ठीक है, और इसको लेना चाहते हो तो और इधर आप बढ़ा सकते हो उसको। हमें तीन कम से कम तीन स्थिति ए बी सी तीन स्थितियां कम से कम चाहिए। तो देखिए दो और ये तीन, ठीक है, मैं इसको और बढ़ा देना चाहता हूँ आगे तक, ठीक है, इसको मैं स्थिति ए कहूँ, ये बी और ये सी। तो देखिए अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पूर्णांतरिक परावर्तन है, पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, आंतरिक उसके अंदर में, और परावर्तन का मतलब आप जानते हो, तो इसका हमें पहले तो मीन पता होना चाहिए। अब ये पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन को समझने के लिए हमने जो है ना इसका चित्र बनाया, इसको मैंने तीन स्थितियों में कन्वर्ट किया हुआ है, स्थिति ए बी और सी। तो अब इसको आप ध्यान से समझना, इसमें 2% 2-3% इसके अंदर भी बनते हैं, जैसे पूर्ण क्रांतिक कोण है, ठीक है, और प्रकाश की किरण का परावर्तक प्रश्न, परावर्तक माध्यम से पृथक्कारी प्रश्नों से गुजरना, ये भी एक प्रश्न है, मैं उसको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब देखिए सघन माध्यम कौन सा है, ये इसको जल भी कह सकते हो, सघन माध्यम है, गहरा माध्यम है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, पहले देखिए आप उसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जा रही है, और इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात ये अपवर्तित होगी, अपने मार्ग से मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, भाई यहां से यहां तक तो सघन माध्यम है, यानी इसको मैं पहला माध्यम कह सकता हूँ, लेकिन जैसे ही इस सतह को, इस सरफेस को, ये जो सतह आप देख रहे हो, इस सरफेस को पार करेगी यहां से यहां तक, तो दूसरे माध्यम इससे वायु यानी विरल माध्यम है, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो
वो अपने मार्ग से मुड़ेगी, अविलंब से दूर हटेगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, तो देखिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चली, और इस बात को हम जानते हैं कि जहां से कोई प्रकाश किरण चलती है आपतित होती है, तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो मैंने इसका नाम आपतित किरण लिया, आपतित किरण। अब देखिए यहां से जाने के बाद, गुजरने के पश्चात, इस प्रकाश किरण को इस तरह सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना जाकर के क्या होगी, ये अपने मार्ग से मुड़ेगी, विचलित होगी, तो इस तरह से विचलित होगी, इस तरह से मुड़ेगी, मतलब जिधर इसका मार्ग था इधर ना जाकर के कुछ टेढ़ी होगी, अविलंब से दूर हटेगी, अपने मार्ग से मुड़ेगी, विचलित हो जाएगी। अब ये अपवर्तित होगी, इसका मतलब इसका अपवर्तन होगा, और इस किरण को मैं अपवर्तित किरण कह रहा हूँ, क्योंकि अपवर्तन की घटना है, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए ये अविलंब पहले ही मैंने खींच रखा है, अविलंब है ये, तो इस यहां से यहां तक कोण को आई क्यों मैं, और इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण है, यहां से यहां तक इसका क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है, तो अपवर्तन के द्वारा, अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसको मैं आर कहूंगा। ठीक है, समझ रहे हो, आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हो, ये सघन माध्यम है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जगह नहीं है तो सघन माध्यम, जिसको मैं पहला माध्यम कह रहा हूँ, ये इससे ऊपर वायु, वायु का मतलब विरल माध्यम है, और ये घटना कौन सी, अपवर्तन की। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहो तो आप अपवर्तन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, अर्थात अपवर्तित हो जाती है, उस दशा में आपतित कोण, जो ये आपतन, आपतित किरण के द्वारा बनने वाला आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण अपवर्तन कोण आर जो है, उस स्थिति में कोण आर, जिसको को क्या नाम है, जिस कोण का अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है, बड़ा होता है, क्योंकि देखिए ये प्रकाश की किरण इधर है, अगर अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित हुए बगैर इधर से सीधी निकलती, तब तो हम देखते कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते, लेकिन ये इधर ना जाकर के क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ, अपने मार्ग से मुड़ी है, विचलित हुई है, विचलित हुए इस कोण का मान अधिक बड़ा है। ये बात को देखिए, यहां समझने वाली बात क्या है, मैं ये कह रहा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण है, इसके द्वारा बनने वाला कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसका नाम मैंने आई रखा है, इसका नाम आर, क्योंकि हम परावर्तन की घटना, परावर्तन के नियम में भी हम इन कोणों को पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के नियम में भी हम इन कोणों को पढ़ चुके हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अभी इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इधर ना जा करके ये अपने मार्ग से मुड़ गई, विचलित हो गई, अविलंब से दूर हट गई, तो इसका मतलब ये टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई तो फिर ये कोण इधर तो होता तो यहाँ छोटा बनता है, ये छोटे का मतलब इसके बराबर बनता, लेकिन अब ये इधर ना जा करके कहाँ थोड़ी और ज्यादा टेढ़ी हो गई, तो टेढ़ी हो गई तो ये कोण बढ़ गया, इस स्थिति में ये आर कोण, आर का मान आई से अधिक है कि नहीं है। तो आपको लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जरा सघन माध्यम पानी से चल रही, सघन माध्यम से दूसरे माध्यम यानी विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपवर्तित हो जाती है, उस दशा में क्या हुआ, उस दशा में आपतन कोण का मान कम है अपवर्तन कोण से। इस बात को दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि इस स्थिति में जब यह अपवर्तित हुई है, तो अपवर्तन कोण का मान आर, जिसको अपवर्तन कोण, इसको क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं, यानी आर का मान आई से अधिक है, यानी इस स्थिति में क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आई, उस स्थिति में आर यानी अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश गई, तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तित हो गई, अपवर्तन क्यों हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी इस माध्यम से दूसरे माध्यम यानी वायु में गई, सघन माध्यम पानी से वायु में गई, तो हमने देखा कि वो अपने मार्ग से मुड़ गई, विचलित हो गई, अविलंब से दूर हट गई। तो अब मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, क्यों विचलित हो गई, मुड़ गई, टेढ़ी हो गई, तो इस स्थिति में ये कोण अधिक बड़ा होगा, इसका मान बढ़ जाएगा इससे आपतन कोण। तो वही बात मैंने आपको कही है कि जब प्रकाश की किरण, जिसको हम आपतित किरण करें, एक माध्यम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तन के कारण आप अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से बड़ा होता है, यानी आर इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, ये बात ध्यान से यहां तक क्लियर। अब ये कोण आर बढ़ा क्यों है, अगर ये प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुई इधर से निकल गई, फिर वही बात बता रहा हूं आपको, तो फिर क्या होता, फिर
फिर तो ये इसके बराबर ही रहता है कोण, आपतन कोण के, यानी आर और आई ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किए तो ये अपने मार्ग से मुड़ गई, विचलित हो गई। इस किरण को मैंने क्या काम नाम दिया है? अपवर्तित किरण। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझना, ये जो पूर्णांतरिक परावर्तन, ये बहुत अच्छा बिंदु है। तो अब ये बढ़ गया, तो इससे मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक था, अगर ये अपवर्तित नहीं था, लेकिन अपवर्तित हुई है, इस स्थिति में क्या होगा, आर का मान अधिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, आई से। तो मैंने यही चीज आपको लिखा, ये आर इज ग्रेटर देन आई, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण जब हमने कोण बना के देखा, जिसको हमने अपवर्तन कोण कहा है, वो बड़ा हो गया आई से, यानी आर इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, अब क्या करूं मैं? तो पहली स्थिति क्या है, दोबारा देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तन होने के कारण कौन अपवर्तन कोण आर बड़ा हो जाता है आपतन कोण। ठीक है, ये बात यहां से यहां तक क्लियर। अब क्या हुआ, अब यदि मैं क्या काम करूं, इस आपतन कोण को और बढ़ा दूं, यानी आपतन कोण में वृद्धि कर दूं। वृद्धि कैसे करोगे? तुम कहोगे साहब, तुम वृद्धि करने की बात करो, वृद्धि कैसे करोगे? वृद्धि का मतलब यहां से यहां तक ही, आपको यहां से प्रकाश करना, यहां से ही मैं इसको यहां से अपवर्तित कराऊं, यहां से, यानी इसके मान को बढ़ा दूं, आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दूं, बढ़ाऊंगा। जब इसको यहां से गुजारूंगा मैं प्रकाश की किरण को दूरी से, तो आप ये भी बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा आय का मान, फिर यहां से यहां तक हो जाएगा। तो आप जो आपतन कोण है आई, इसका मान बढ़ जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो अब मैं क्या काम करूं कि यदि अब मैं देखिए यहां से यहां तक दूरी, जब माप के समानांतर माप के बना सकते हो, यहां से यहां तक दूरी को मैं इसको और दूर से अपवर्तित आप करा रहा हूं। तो देखिए अब मैं अब क्या काम करें, यदि आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दें, मैं यहां से यहां तक देखिए, अब यदि आपतन कोण के मान में वृद्धि की जाए, आप आपतन कोण का मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले तो बहुत नजदीक से गुजर रही थी यहां से, अब मैंने इसको बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, अब यदि आपतन कोण के मान में वृद्धि की जाए, आई के मान को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये प्रकाश किरण, यानी ये अपवर्तित किरण है, ये दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ, यहीं से तो टेढ़ी होती है प्रकाश की किरण, यहीं से तो जब ये सघन माध्यम को पार करके वायु यानी विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा, यहां से ये प्रकाश की किरण जो ये पृथककारी पृष्ठ है, इससे अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित इसमें भी हुई। तो क्या होगा कि यदि मैं आपतन कोण आई के मान में वृद्धि कर दूं, इसको मैं बढ़ा दूं, जैसे मैंने ये छोटा था और इसको यहां तक था, लेकिन और बढ़ा दिया, यदि मैंने आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दूं, तो क्या होगा, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर, एक विशिष्ट मान पर, उस निश्चित मान को आप क्रांति कोण कह सकते हैं। तो यहां मैं लिखना चाहूँ तो आप क्रांति कोण लिख सकते हैं। यदि मैं आपतन कोण के मान में वृद्धि करूं, यदि मैं आपतन कोण के मान को बढ़ाऊं, वृद्धि करूं, तो आपतन कोण के निश्चित मान पर, एक विशिष्ट मान पर, ये विशिष्ट मान यहां से यहां तक बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि यहां से छोटा था, यहां से मैंने आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दी, तो आपतन कोण के विशिष्ट मान पर दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसके, सघन माध्यम के समांतर हो जाती है, पृथककारी पृष्ठ के समांतर गुजरती है। अब इसके समांतर है कि नहीं, समझ रहे हो बात को? यदि मैं आपतन कोण के, दूसरी स्टेप क्या है, यदि मैं आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दूं, अर्थात आपतन कोण के एक निश्चित मान पर पृथककारी पृष्ठ, दोनों माध्यमों का पृथककारी पृष्ठ यह है, देखिए ये सतह है, यहीं से तो आगे जाएगी, यहीं से इसका अपवर्तन होगा, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से गुजरने के पश्चात प्रकाश की किरण सघन माध्यम के समांतर हो जाती है, यानी दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है। यहां पर आर का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, यानी यदि आपतन कोण के मान में वृद्धि करूं तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर यह प्रकाश की किरण समांतर हो जाती है। अब समांतर हो गए, 90 डिग्री का कोण है, आर का मान अब कितना हो गया, बढ़ के नहीं और बढ़ गया 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के कोण को ही क्रांति कोण। तो आपसे अगर आप प्रश्न पूछा जाए कि क्रांति कोण क्या है, तो आपको लिखना है, जब प्रकाश, जब पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में यदि हम आपतन कोण के मान में और वृद्धि करें, हमने देखिए यहां से था, पहले मैंने और इसको बढ़ा करके यहां कर दिया, यदि आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए तो आपतन कोण के निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इस 90 डिग्री के कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांति कोण क्या, तो आपको लिखना है, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में यदि
आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ से गुजरने वाली प्रकाश विकिरण माध्यम के समांतर होने लगती है, समांतर गुजरती है, उस दशा में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस 90 डिग्री के कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये जो बीच में से प्रश्न बन रहा था, मैं बता रहा था किसमें प्रश्न बनते, तो एक पहला प्रश्न क्या निकल गया, एक क्रांति कोण क्या है। तो आपको ये बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्रांति कोण के बारे में आपको याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए, आपतन कोण के मान में वृद्धि की जाए तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर, एक विशिष्ट मान पर दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण माध्यम के समांतर गुजरने लगती है। इस अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस 90 डिग्री के कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, दो स्थिति हो गई। अब यदि क्या काम करूं मैं, अब यदि क्रांतिक कोण के यानी आपतन कोण के मान में और वृद्धि करूं, और अधिक बढ़ाता हूं, और का मतलब ये कम दूरी थी, और बढ़ा दी, मैं और बढ़ाता हूं, अब यहां से गुजरता हूं। ठीक है, अब यदि मैं आपतन कोण के मान में और वृद्धि करूं, बढ़ गया ना, तीनों स्थितियों में देख रहे तुम, यहां फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ा दिया। ठीक है, अब यदि आपतन कोण आई के मान में मैं और वृद्धि करूं तो ये समझने वाली बात, यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटित क्या हुआ। अब यदि आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए तो आपतित किरण, ये आपतित किरण ही तो है, यहां से आपतित किरण जो है विरल माध्यम की अपेक्षा इस सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। और देखिए, पहले कम बढ़ाया तो इधर मुड़ी, और बढ़ाया तो इसके समांतर, अभी मैंने और मान को बढ़ाया था, ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में नहीं जाती, सॉरी विरल माध्यम में नहीं जाती, विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कुछ बात समझ में आई, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश संचार में या प्रकाश तंतु में संचार के माध्यम से जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसी का उपयोग किया। तो आप समझ गए होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो आपको मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरह से, आंतरिक उसी माध्यम में जिस माध्यम से गुजरती उसी में प्रकाश की किरण का, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम से टकराता, अब दूसरे माध्यम से टकरा कारण दूसरे माध्यम में टकराने के कारण से पहले ही, टकराने से पहले ही जो पृथक्कारी पृष्ठ है उससे ही वापस उसी माध्यम में आ रही है जिसमें जा रही, इस कारण से इसको पूर्ण परावर्तन का मतलब जानते हो, परावर्तित हो रही, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं। अब मैं दोबारा विस्तार से बता रहा हूँ, समझोगे। मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाने के लिए एक सघन माध्यम पानी जैसा बनाया है, उसमें मैंने एक कोई प्रकाश की किरण आपतित की है, और जब प्रकाश किरण आपतित की, कोई प्रकाश किरण जहां से स्टार्ट होती है, गुजरती है, जहां से चलती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कौन आपतन कौन कहलाता है। इस बात को हमने परावर्तन के नियम में भी पढ़ लिया और उसको अपवर्तन के नियम में पढ़ लिया। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, वह दूसरे माध्यम में जाने से पहले, अब देखिए बात समझने की है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात क्या होता है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित होने से इस प्रकाश किरण को देखिए ऐसा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इधर न जाकर के मुड़ गई, मुड़ गई तो इस किरण को अर्थात इसका अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है तो इस किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आर होगा। अब तुम देख रहे हो दोनों स्थितियों में कि आपतन कोण से ये अपवर्तन कोण बड़ा है कि नहीं, यानी इस स्थिति में कोण आर का मान, कोण आर का मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक। ठीक है, अब क्या काम किया जाए, फिर मैंने आपतन कोण के मान में और वृद्धि की, आपतन कोण के मान में मैंने वृद्धि की, वृद्धि की तो देखा कि प्रकाश की किरण जो है दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ से ही उस माध्यम के समांतर गुजरने लगती है, समांतर गुजरने लगती है तो उस दिशा में आपतन कोण तो वही था, बढ़ाया हमने इसके अपेक्षा बढ़ा हुआ, लेकिन उस दिशा में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस 90 डिग्री के कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। या इस बात को दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि यदि आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ से अपवर्तित किरण जो है ना माध्यम के समांतर गुजरने लगती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस अपवर्तन कोण के यानी इस 90 डिग्री के कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ,
अब यदि मैं आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए, यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो क्या होगा? अपवर्तित किरण विरल माध्यम में जाने से पहले ही सघन माध्यम में ही अपवर्तित नहीं हो रही, परावर्तित हो जाती है। यदि आपतन कोण के मान में और वृद्धि की जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाने से पहले ही सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश तंतु संचार में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ये आपको ऐसे ही चित्र बनाना है, और जो मैंने स्टोरी बोली है स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखना। तो इसमें दो परिभाषा निकल गए, क्रांतिक कोण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन को समझ लिया। फिर इसमें एक नई परिभाषा जो क्रांतिक कोण, ये मैंने आपको बता दी क्या होता है। और फिर ये जो है ना प्रकाश तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यानी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, इसी माध्यम इसका उपयोग करके ही ऑप्टिकल फाइबरों में इसका उपयोग। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना पूर्णांतरिक परावर्तन के, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अगला दिन देखिए दोस्तों बता दो उसको। हाँ तीन उदाहरण हो गए, चौथा देखिए कौन सा। हाँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चौथा उदाहरण है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसी में एक प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिम, रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। दोनों का मैं उत्तर एक साथ दूं, चलो इसको अलग पढ़ लेंगे, लेकिन इसको समझ लें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तुमसे पूछा जाए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखिए मैं चित्र से बना रहा हूँ, ये वैकल्पिक चित्र है, किताब में कोई चित्र नहीं, ये मैं केवल अपने तरफ से बना रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए ये तारा, मैं दो तीन तारे बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब प्रश्न ये था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखिए तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को, अब देखिए तारा, तारे की हमसे दूरी, क्योंकि आकाश में होते हैं, तारों की हमसे दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी होती है, तो इससे पहले बहुत सारी वायुमंडल की परतें हैं। अब उससे पहले हमें पता है जो मंडल, समताप मंडल, बहुत सारे मंडल होते हैं, इनमें इनकी बहुत सारी परतें होती हैं, इस तरह से इनकी परतें होती हैं, ये परतों के रूप में हम तक होते हैं, ये परतें जो बनी हुई हैं, इन परतों को आप ध्यान से समझना, इन परतों में से इनको गुजरना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, आप चाहो तो इस पृथ्वी, ठीक है, और हमारे तरफ तुम्हें पता है चारों तरफ वायु के, चारों ओर वायु, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण होता है, आवरण यानी वायु, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, तो हमारे तरफ वायुमंडल है। तो देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अब समझना ध्यान से। देखिए तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमसे पहुंच, हम तक यानी पृथ्वी तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही तुमको भी सर, इनको टेढ़ी क्यों बना रहे हो, टेढ़ी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये इन परतों में ताप परिवर्तन के कारण ये प्रकाश की किरणें अपने मार्ग को लगातार बदलती हैं। तो देखिए तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमसे पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है। इन परतों में ताप, जब ये प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इनमें जो परतों का जो घनत्व है, देखिए दोबारा सुन लीजिए, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमसे हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है। तब परतों का घनत्व, एक शब्द है घनत्व, परतों के घनत्व में किसके कारण, परतों के घनत्व में ताप के कारण। अब ये ताप क्या है, देखिए दिन के समय तो हमें तारे दिखाई देते नहीं क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होता है, क्योंकि रात में चंद्रमा का भी प्रकाश होता है, तो जब तारे यहां से चलते हैं, तारों से जब ये प्रकाश की किरणें चलती हैं तो यहाँ पर चंद्रमा इनसे नजदीक होता है, चंद्रमा का जो ताप होता है उसमें इसका मतलब नजदीक होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो ताप होता है वो अधिक होगा, तो जहां ताप अधिक होगा वहां प्रकाश की किरणें अपना मार्ग बदलेंगी। तो क्या हुआ, तारों, दोबारा सुन लीजिए, तारों
तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है। उस स्थिति में परतों का घनत्व तो ताप के कारण, ताप परिवर्तन के कारण लगातार बदलता रहता है। परतों का जो घनत्व है उसके मान में लगातार परिवर्तन होता है। जब इनके मान में परिवर्तन होता है तो इनका अपवर्तनांक भी बदलता है, और जब अपवर्तनांक बदलता है तो प्रकाश की किरणों अपना मार्ग भी लगातार बदलते रहते हैं। अब देखिए, जैसे तारों से इसको अगर मैं इसको देखिए सीधा गुजारू यहाँ से यहाँ तक, तो सीधा तो ये इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन तुम देख रहे हो ये प्रकाश किरण यूं यूं इस तरह से तारों से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे आती धीमी धीमी। तो क्या हुआ, एक बार दोबारा सुनो, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमसे पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होके गुजरना पड़ता है। तब परतों का घनत्व तो ताप के कारण, भाई देखिए चंद्रमा नजदीक है तो यहाँ अधिक ताप होगा, फिर कम होता चला जाएगा, कम होता हम तक आते आते चंद्रमा की दूरी बढ़ेगी, ताप कम होता चला जाएगा। तो क्या हुआ, तो जब तारों से चलने वाले प्रकाश की कणों को हमसे हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है, तब परतों के घनत्व में ताप के कारण, ताप क्यों है, क्योंकि चंद्रमा नजदीक, ताप के कारण लगातार परिवर्तित होता रहता है। परतों का घनत्व ताप के कारण लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, तब इसका अपवर्तनांक, तब इनका अपवर्तनांक भी बदलता है। अपवर्तनांक बदलता है तो अपवर्तनांक बदले बदलता है तो क्या होगा, अपवर्तनांक बदलने से यानी प्रकाश की कणों का अपवर्तनांक बदलने से इन प्रकाश की कणों का जो मार्ग है वो भी बदलता रहता है। यहाँ आ गई तो इधर हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, मार्ग सीधा ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो जाता है, क्योंकि दूरी अधिक है। तो अपवर्तन के कारण ये प्रकाश किरण अपना मार्ग भी बदलते रहते हैं, और मार्ग बदलने से क्या होगा, जो ये प्रकाश की किरण है हम तक यानी हमारे नेत्रों से पहुंचने से पहले जो कुल प्रकाश है उसका मान भी बदलता रहता है। अर्थात ये प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी झिलमिल झिलमिल करके हमारी आंख में नेत्र में प्रवेश करती है, इस कारण से हमें ये तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। दोबारा समझिए, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमसे पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है, तब परतों का घनत्व ताप के कारण लगातार बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, तब प्रकाश जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, क्योंकि माध्यम बदलते हैं तो अपवर्तनांक बदलता है, अपवर्तनांक बदलने से इन प्रकाश की किरणों का रास्ता मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मार्ग भी बदलता है, मार्ग बदलता है तो इन प्रकाश की किरणों का मार्ग बदलने से ये प्रकाश किरण जो हमारी आंख में हम तक पहुंचे हमारे रेटिना में प्रवेश करती है तो ये टेढ़ी मेढ़ी झिलमिल झिलमिल करके नेत्र में पहुंचती है, इस कारण से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो यही कारण है तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, लिखना कैसे, एक बार दोबारा सुनो, जब तारों से चलने वाली प्रकाश की कणों को हम तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है, विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है, तब परतों के घनत्व में ताप के कारण लगातार परिवर्तन होता है, बदलता रहता है, ताप परिवर्तन के कारण क्या होता है, इनका अपवर्तनांक भी बदलता है, अपवर्तनांक बदलता है तो प्रकाश की कणों का मार्ग बदलता है, मार्ग बदलता है तो ये प्रकाश की कणों का जो कुल हम तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है वो झिलमिल करता हुआ टेढ़ा मेढ़ा हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, इस कारण से हमें तारे चिंतन। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अगला बिंदु देखिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसी का अगर मैं उल्टा करूं तो जो पांचवी स्थिति है वो है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए वैसे तो इसको मुझे उसी बिंदु से समझाना चाहिए, लेकिन एक बार और दोबारा समझ लो, तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए आपको याद रखना है कि तारों की अपेक्षा ग्रहों की हमसे दूरी बहुत कम है, यानी ग्रह जो है पृथ्वी के तारों की अपेक्षा नजदीक होते हैं, ग्रह जो है ना तारों की अपेक्षा पृथ्वी से हमसे, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमसे दूरी कम होती है। तो ग्रहों से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब चलती हैं, देखिए वैसे भी आपको ये बात याद रखना है कि तारे इसलिए टिमटिमाते थे, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब प्रश्न ये है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपको याद रखना है कि तारों की अपेक्षा ग्रह की पृथ्वी से यानी हमसे दूरी कम होती है, इस कारण से ये बृहत स्रोत के रूप में माना जाता है, बृहत का मतलब बड़े स्रोत के रूप में माना जाता है। अब मैं क्या काम करूं, यदि बृहत स्रोतों को प्रकाश के अनेक बिंदु मान लूं तो इन बिंदुओं से चलने वाले प्रकाश की किरणें जब हम तक चलती हैं, क्योंकि अब दूरी कम है तो परतों में से बहुत कम होकर गुजरना पड़ता है, तो इस कारण से जब ये प्रकाश की किरणें बिंदुवत प्रकाश से यानी ग्रहों से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक जो है ना विभिन्न परते हैं तो परते बहुत कम है, इस कारण से उनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अल्प परिवर्तन होता है, हम तक पहुंचने से पहले इनके मार्ग में अल्प परिवर्तन होता है जो लगभग शून्य के बराबर होता है। जब इनमें परिवर्तन नहीं होता तो
तो फिर हमें ये सिम्टोमेटिक नजर आएंगे, जैसे हैं ऐसे ही दिखाई देंगे। यही कारण है कि जो है दोबारा समझिए, बात लिखना है ग्रह दोनों सिम्टोमा तो लिखना है, तारों की अपेक्षा ग्रहों की पृथ्वी से दूरी बहुत कम होती है, तो इस कारण से ये बृहत स्रोत के रूप में माने जाते हैं, बड़े स्रोतों के रूप में माने जाते हैं। यदि इन बृहत स्रोतों को मैं प्रकाश के बिंदु के रूप में मानूं, तो इन स्रोतों से चलने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल के बहुत कम परतों में से होकर गुजरना पड़ता है। जब कम परतों में से होकर गुजरना पड़ेगा और ना ही ताप हम मौजूद है, क्योंकि सूर्य से दूरी बहुत कम होगी, चंद्रमा से दूरी बहुत कम होगी, तो ताप परिवर्तन नहीं है, तो ये नजदीक होने के कारण जब इनसे प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो प्रकाश की किरणों का इन वायुमंडल के एक दो परतों में से होकर इनको गुजरना पड़ता है, बहुत कम परतों में से होकर गुजरना पड़ता है, तो इनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य के बराबर होता है। जब इनमें परिवर्तन नहीं होता, तो हमारी ये इससे चलने वाली प्रकाश किरण सीधे हमारे आंख में प्रवेश करती है, यही कारण से हमें ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। स्पष्ट दोस्त, अगला बिंदु देखो, एक बिंदु और रहेगा सर छोटा सा, छठा बिंदु क्या है? छठा बिंदु है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नहीं लगते हुए दिखा देता, सॉरी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की वजह काला क्यों दिखा देता। देखिए हमने देखा है कि जब हम यहाँ से आकाश को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, परंतु अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है और वास्तव में आकाश का रंग होता कैसा है, मैं आपको उन दोनों बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए हमने देखा है कि हमारे चारों वायु का आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब हम तक आती है तो वायुमंडल की इनको विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है, उस स्थिति में जब वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण है वो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी नीले रंग का अधिक फैलाव होता है, नीले रंग का अधिक फैलाव के कारण हमें अंतरिक्ष यात्री सॉरी पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति को वो आकाश नीला दिखाई देता है। अब आंतरिक के व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है नीला नीले की वजह? देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके ऊपर चला जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाएगा तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा, जब ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तो हम वायु का आवरण होता नहीं है, वायुमंडल होता नहीं है, यानी धूल के कण उसमें विद्यमान होते नहीं, जब धूल के कण विद्यमान नहीं होते तो रंग श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ से होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और उस अंतरिक्ष व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है। तो आपको ये बात पूछी जाए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है जबकि पृथ्वी पर उपस्थित व्यक्ति को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको लिखना है क्योंकि जो व्यक्ति पृथ्वी पर उपस्थित होता है पृथ्वी पर रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणों का हमारे चारों उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण है ये धूल के कण जो है ना उस प्रकाश से प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं और उसमें से नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक करते हैं, तो नीले रंग के प्रकीर्णन के फैलाव के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है जो हम पृथ्वी का, परंतु अंतरिक्ष व्यक्ति को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब अंतरिक्ष व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है तो वहां पर वो जो पृथ्वी का वायुमंडल है हमारा वायुमंडल है उसको पार कर जाता है, वहां पर धूल के कण विद्यमान नहीं होते हैं और फिर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, अतः अंतरिक्ष व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है और वास्तव में अंतरिक्ष जो आकाश है वो काला ही है, नीला नहीं है, तो हमें धूल के कणों के कारण दिखाई देता है। हमने पढ़ा है कि यूरी गागरिन द फर्स्ट मैन ट्रेवल टू इनटू स्पेस, जब यूरी गागरिन ने 1 घंटे 8 मिनट तक अंतरिक्ष में यात्रा की थी तो उसने स्पष्ट रूप से बताया था कि आकाश का रंग नीला नहीं है काला होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि वास्तव में भी आकाश का रंग काला होता है नीला नहीं होता, ये तो हमें धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों ये 5वां 6वां बिंदु भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।